नमस्कार दोस्तों, हम आज इस पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो उम्र में काफी छोटे मगर तजुर्बे में बहुत बड़े हैं। गुजरात अहमदाबाद के रहने वाले हैं, परिक इंफ्राकॉन के डायरेक्टर हैं और पर्पल एलिफेंट एडवाइजरी कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर है, जो कि पहला सेबी रजिस्टर्ड फंड है गुजरात का रियल एस्टेट के लिए। मोनिल एक प्रोफेसर की भूमिका भी अदा करते हैं कि इंस्टीट्यूट्स में रियल एस्टेट सिखाने के लिए। इनका तजुर्बा बहुत ज्यादा रहा है चैरिटी कामों में भी, जैन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी काम कर चुके हैं और CII यंग इंडियंस के लिए ये इंटरनेशनल चेयर हैं। अलग अलग कंट्रीज में जाके गुजरात को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। विदाउट मच अडू, लेट अस वेलकम मोनिल पारेख। वेलकम टू द पॉडकास्ट मोनिल भाई, इट इज अ प्लेजर टू हैव यू टुडे इन आवर पॉडकास्ट। बड़े दिनों से अहमदाबाद की हम चाहते थे कुछ रियल एस्टेट की सारी इंफॉर्मेशन हमको मिले, हमारे व्यूअर्स को मिले। सो आप बहुत पुराने हैं इस व्यवसाय में वहाँ, और काफी हम लोगों ने भी मिलके काम किए, तो आई थॉट यू वुड हैव अ बेटर होल्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अहमदाबाद रियल एस्टेट। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट मोनिल भाई। थैंक यू सो मच किशन भाई, एंड एज एवरीवन नोज दैट यू आर द वेटरन इन द इंडस्ट्री, तो आपसे भी हमें काफी सीखने मिला है, और हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। थैंक यू। श्योर मोनिल भाई, वील स्टार्ट विथ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स। व्हाट इज मोनिल पारेख? ओके, सो एज एवरीबडी नोज माय नेम इज मोनिल पारेख, एंड माय फादर स्टार्टेड दिस कंपनी इन 1981। तो ऑलमोस्ट 42 इयर्स से ये कंपनी रियल एस्टेट की है, एंड देन मी एंड माय ब्रदर प्रमित पारेख हु टुक ओवर द कंपनी। सो वी आर बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद अभी, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड गवर्नमेंट लाइजनिंग, हर सेगमेंट में हमें जितने भी गुजरात या अहमदाबाद के आसपास लैंडमार्क ट्रांजेक्शन हुए हैं, लेट्स से के गुजरात गार्डन सिटी जो फर्स्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट था गुजरात का, सो दैट वाज द लीड लैंड ट्रांजेक्शन डन बाय अस। इवन गोदरेज, अदानी सब में ऑल ओवर इंडिया में वी आर नंबर वन इन सेलिंग पार्ट एज वेल फॉर द फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। इंडस्ट्रियल में भी काफी बड़ा कर रहे हैं और ऑर्गेनिकली ग्रो हुए हैं। वी आर ऑल्सो इन टू डेवलपमेंट, एंड वी आर द फर्स्ट रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड AIF फंड ऑफ गुजरात एज वेल, ओके, अंडर द नेम ऑफ पर्पल एलिफेंट रियल्टी फंड। तो सेबी ने सबसे पहली जो अप्रूवल दी थी AIF फंड की गुजरात में, सो गुजरात बेस्ड फंड में, सो दैट फंड वी ओन। क्या बात है। या तो काफी साल हो गए अभी रियल एस्टेट में। सो मोनिल भाई, हाउ डू यू सी अहमदाबाद रियल एस्टेट मार्केट पिछले 10-15 साल में कैसे चला है, और व्हाट इज द करेंट सिचुएशन, और आगे फ्यूचर कैसे आप देख रहे हैं इसका? लास्ट 15-20 ईयर्स में आप देखो तो अहमदाबाद ने अपवर्ड राइज ही देखा हुआ है, यानी अहमदाबाद ग्रोथ ही हो रहा है अहमदाबाद में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बिफोर दैट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वॉज CM ऑफ गुजरात, और जब से उन्होंने लिया था उसके बाद अभी तक रियल एस्टेट सेक्टर ने ऑनरी पॉजिटिव अपवर्ड ही देखा हुआ है यहाँ पे, और देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी शुड कंसिडर। तो हम यही कहते हैं किशन भाई के जनरली क्या होता है, रियल एस्टेट मार्केट दो तरीके से चलता है। एक चलता है कि लोग सिर्फ सेंटीमेंट पे चलता है कि भाई सेंटीमेंट अच्छे हैं तो मार्केट अच्छा है, क्योंकि कोई पैरामीटर तो है नहीं स्टॉक मार्केट की तरह कि हर रोज सुबह उठ के अपने स्क्रीन पे देख सके कि कौन से एरिया का क्या रेट चल रहा है, कैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो जो चल रहा है वो मोस्टली चलता है सेंटीमेंट पे, लेकिन एज अ कंपनी वी ऑलवेज बिलीव इन नंबर्स, तो हम स्टेटिस्टिक पे काम करते हैं। और मैं आज आपको अहमदाबाद क्यों ग्रोथ हो रहा है, सबको पता है कि गुजरात ग्रोथ हो रहा है और सब लोग पॉजिटिव, उसमें कोई डिबेट नहीं कि गुजरात ग्रोथ नहीं कर रहा है, लेकिन क्यों ग्रोथ कर रहा है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन कभी होता नहीं वहां पे। तो आज के आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आज आपको और सबको यही बताना चाहूंगा कि क्यों गुजरात ग्रोथ हो रहा है। सो लेट्स टेक अबाउट द फर्स्ट, एज एवरीबडी नोज दैट
रियल एस्टेट इज द सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है जो है, एंड द इंडस्ट्री साइज इज लाइकली टू रीच $1 trillion बाय 2030. सो दिस इज द साइज ऑफ द इंडस्ट्री यहाँ पे. और 2025 तक जीडीपी में रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो 13% का योगदान करेगी वहां पे. तो दिस आर द फैक्ट एंड इंडस्ट्री ग्रोइंग एट द 25.60% पर एनम. हाँ, जो अपना इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो 25% से ग्रो कर रहा है. ठीक है. और इंडिया का जीडीपी जो है वो 7.3 से कर रहा है. सो वी आर ऑलमोस्ट 4 times अहेड ऑफ इंडिया जीडीपी. तो लोग बोलते हैं कि रियल एस्टेट में लोगों ने लास्ट 10 साल में बहुत पैसा बनाया, फिर लोग काफी यानी मल्टी मिलियनेयर बन गए हैं. सो दिस इज द रीजन, क्योंकि इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 25% और आपका जो जीडीपी है वो 7% से आपका ग्रो कर रहा है. सो यू आर बीटिंग एवरी ईयर 4x ऑफ योर जीडीपी. यही चीज अगर 5-10 साल तक चलेगी तो 100% रियल एस्टेट में सारे लोग पैसा बनाएंगे और मल्टी मिलियनर बनेंगे. सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आफ्टर रेरा, कि रेरा आने के बाद वी कैन मेजर द थिंग्स. क्योंकि बिफोर रेरा आपने कुछ ऐसे ही हवा में नंबर चलाते थे कि भाई यहाँ पे 50,000 करोड़ का मार्केट है, ये 1,00,000 करोड़ का मार्केट है. लेकिन अगर उसका आप डेटा मांगो तो डेटा कहीं मिलेगा नहीं. हाँ, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्टिल टूडे महाराष्ट्र इज ऑन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट इन रेरा. ओके. एंड आफ्टर महाराष्ट्र गुजरात इज ऑन सेकंड नंबर फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट रजिस्टर इन रेरा सिंस द रेरा फॉर्मेशन. तो गुजरात से भी अगर बड़ा कोई मार्केट है तो महाराष्ट्र है. लेकिन महाराष्ट्र से सेकंड नंबर पे जो आएगा वो आएगा गुजरात आएगा, अगर अपने इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं तो. सो बोथ ऑफ अस आर सिटिंग ऑन नंबर 1 नंबर 2 मार्केट ऑफ द कंट्री. यस. हाँ, तो एक वो अच्छी बात है. हाँ. और जब रेरा आया जब वहां से, तब तक अभी तक देर आर 11,745 प्लस प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड विद द टोटल इन्वेस्टमेंट साइज ऑफ 3.47 लाख करोड़. ये गुजरात का मार्केट साइज है, ये गुजरात जो कर रहा है वो, विच इज वेरी बिग कंपैरेटिवली. या वेरी बिग. एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज नॉट इंडस्ट्रियल. ये यही प्रोजेक्ट्स है जो सिर्फ सिटी लिमिट के अंदर. हाँ. और जो लिमिट के अंदर जो रेरा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होते वही प्रोजेक्ट की अपने डिस्कशन कर रहे हैं. उसके बाहर वाले प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, फार्म हाउस प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसकी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो अगर मैं आपको 2022-2023 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, हाँ, तो नए प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुए हैं वहां पे, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, दैट इज अराउंड 1,164 प्रोजेक्ट्स इन अहमदाबाद. ओके. ओनली इन अहमदाबाद. हाँ. ओके. एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दैट इज अराउंड 2.75 लाख. एंड अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी भी, दैट इज ऑल्सो अराउंड 2 lakh units. सो दिस इज द साइज ऑफ अहमदाबाद. एंड नाउ इफ यू कंपेयर अहमदाबाद विद द अदर सिटीज वहां पे गुजरात की. हाँ. तो इसके सामने राजकोट, सूरत है, दैट इज अराउंड 510 प्रोजेक्ट्स. राजकोट इज अराउंड 270 प्रोजेक्ट्स. एंड गांधीनगर इज अराउंड 257 प्रोजेक्ट्स. वेरी स्मॉल. तो टेक्निकली अगर आप देखो तो 42% ऑफ गुजरात रियल एस्टेट मार्केट दैट इज फ्रॉम अहमदाबाद ओनली. एंड रेस्ट 58 from other cities, the other cities of the Gujarat. तो गुजरात का जो भी मार्क. हाँ. इसका रीजन क्या है प्रमित भाई, आप मोनिल भाई, क्या रीजन है कि अहमदाबाद में इतनी बिक्री हो रही है? ये बायर्स कहाँ से आते हैं? Who are these people who buy the properties here? किशन भाई, कैसा होता है कि बायर यानी काफी अभी तो बाहर से भी बहुत लोग आ रहे हैं, नॉट ओनली गुजरात लेकिन इंडिया से भी काफी लोग माइग्रेट हो रहे हैं. क्योंकि जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल रिवोलाइजेशन हुआ है अभी गुजरात में अहमदाबाद में, जैसा आप देखो तो फार्मा, ऑटोमोबाइल
इंजीनियरिंग हब बन गया है इंडस्ट्रियल में, तो काफी लोग बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं, नॉट ओनली द इंडियन कम्युनिटी बट आप देखो तो कोरियन, जैपनीज, यूएस से काफी लोग अभी अहमदाबाद में शिफ्ट हो गए हैं एज देयर फर्स्ट सिटी करके यहाँ पे. तो आप इवन बीइंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद से आपको कहीं पे भी कनेक्टिविटी चाहिए, अगर इंडिया में कोई भी सिटी का कनेक्टिविटी चाहिए या तो आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, सो वेरी इजीली कम्युनिकेटेड यहाँ से, तो आपको कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो इजी है. सेकंड जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसको भी अगर हम स्टेटिस्टिक में डालें, नंबर में डालें, सो अहमदाबाद का जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है दैट इज अराउंड 28%, ओके, विच इज वेरी हायर. तो लोग अपने बोलते हैं ना कि भाई कैसे रेट क्यों बढ़ रहे हैं, तो अगर आप उसको नंबर ऑफ पॉपुलेशन के साथ इसको कंपेयर करो कि भाई रेट बढ़ने का रीजन क्या है, कि जितने लोग आएंगे उसको आपको रोटी कपड़ा मकान देना है वहां पे, तो ये लोग जो आ रहे हैं ये माइग्रेंट्स होंगे, पीपल हु वुड बी कमिंग फॉर वर्क जॉब बिजनेस के लिए जो आ रहे हैं. करेक्ट. बट अहमदाबाद इज नॉट ए आईटी सिटी, जैसे बाकी आईटी सिटीज में ग्रोथ बिकॉज ऑफ आईटी है, यहाँ इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और फार्मा की वजह से ग्रोथ ज्यादा है. करेक्ट. और सेकंड क्या है कि गुजरात इज अ वेरी स्टेबल स्टेट यहाँ पे. हाँ, जैसे अगर आप देखो तो ट्रैफिक का इतना इश्यू नहीं है गुजरात में, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वर्ल्ड क्लास यहाँ पर, इवन लेबर यूनियन से लेके इतना स्ट्राइक वाइक आपने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी लास्ट 10-15 ईयर्स में देखा होगा कि गुजरात में कुछ स्ट्राइक हुई है या कुछ बंद हुआ है, कुछ भी हुआ है. सो वेरी इन्वेस्टर फ्रेंडली और बिजनेस ओरिएंटेड कम्युनिटी है यहाँ पे. और किसी को जो भी धंधा करना है तो विदाउट एनी वो रोक टोक वो अपने हिसाब से किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, किससे कंस्ट्रक्शन करना है, कर सकता है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी आर अ इलेक्ट्रिक सिटी सरप्लस स्टेट. ओके, तो इलेक्ट्रिक सिटी जैसे गुजरात इज गिविंग सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी गिविंग टू अदर नेबरिंग स्टेट, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सबको गुजरात सप्लाई करता है इलेक्ट्रिक सिटी. तो वेरी स्ट्रेंथ टू नो अगर आप कोई भी अहमदाबाद सिटी में या कहीं पे भी अगर आप कॉमर्शियल बिल्डिंग में या रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जाओगे तो आपको कहीं पे जनरेटर नहीं दिखेगा. अच्छा, यानी किसी भी हाउस होल्ड में आप जाओगे कहीं पर भी तो आपको जनरेटर यानी सिस्टम ही नहीं अभी भी कि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होता ही नहीं है. अच्छा, पावर कट बिल्कुल नहीं है, पावर कट होता ही नहीं है. हाँ, लिफ्ट और वो सब जो एसेंशियल सर्विस है उसके लिए बैकअप रखते हैं लेकिन हार्डली यूज होता है, हार्डली यूज होता है, पावर कट होता ही नहीं है सिटी में. बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो आप कोई भी अगर कहीं पे भी जाओगे अहमदाबाद में तो आपको जनरेटर ढूंढना, कोई बिल्डिंग में आपको जनरेटर ही नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा, जस्ट लाइक बॉम्बे, मुंबई में जेनसेट वालों का कोई काम ही नहीं है बिकॉज नोबडी वांट्स टू पुट इन, इन्वर्टर का भी काम नहीं है, केवल कंप्यूटर्स के लिए वो लगता है, बाकी वो वो यूपीएस लगता है वो बैकअप के लिए उनके लिए, बाकी तो कोई यूज नहीं करता है. तो देयर इज नो बिजनेस फॉर दिस पीपल इन. सो मनोज भाई, हाउ डू यू फोरसी अहमदाबाद फ्यूचर इन रियल एस्टेट, आगे 10-15 साल में आपको कैसे लगता है अहमदाबाद में आईटी आएगी और क्या ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज हैं? देखो अहमदाबाद कैसा है कि अहमदाबाद गांधीनगर भी आप देखो गिफ्ट सिटी के बारे में सब लोगों ने अभी पढ़ा होगा और रेगुलर कहीं ना कहीं न्यूज में गिफ्ट सिटी आता रहता है. सो गिफ्ट सिटी इज ऑल्सो डूइंग वंडर्स राइट नाउ. वहां पे जो आईटी सेक्टर जो अपने बात कर रहे हैं वो पूरा गिफ्ट सिटी में जाएगा और काफी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज ने ऑलरेडी वहां पे एक्वायर कर लिया है वहां पे जगह. और आप विथ इन फ्यू ईयर्स, विथ इन 5 ईयर्स आप देखोगे गिफ्ट सिटी विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट आईटी हाईटेक सिटी ऑफ द कंट्री बन जाएगा. ऑलरेडी 13-15 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर में और डेवलपमेंट में और काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है. अगर मैं गांधीनगर की सिर्फ बात करूं सो लास्ट डिकेड में गांधीनगर में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है दैट इज अराउंड 53%. माय गॉड. हाँ, यस. तो ये सारे जो नंबर्स जो है ना किशन भाई, यही हमें बताते हैं कि कौन सा सिटी ग्रोथ करेगा या कौन सा सिटी आगे बढ़ेगा, कि रेट क्यों बढ़ेंगे. जैसे एज अ इन्वेस्टमेंट हम जब करवाते हैं किसी का भी
तो हम पहले ऑलवेज सोचते हैं कि भी रेट बढ़ने के रीजन क्या है, लॉजिकल रीजन। अगर उसके चार या पांच हमें लॉजिकल रीजन नहीं मिलते हैं तो फिर हम वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं कहीं पे भी। तो सिर्फ सेंटीमेंट पे चलने में क्या है, होता है कि जब मार्केट तेजी में होता है तब तो सब जगह के रेट बढ़े तो अपने भी रेट बढ़ेंगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अपने रेट तब बढ़ने चाहिए जब पूरा मार्केट डाउन हो और अपने रेट ऊपर जा रहे हैं। उसी को सेंसिबल इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि भाई ठीक है, बिकॉज ये कुछ होने वाला था उसी वजह से रेट बढ़े हुए हैं। तो मोनिल भाई, जैसे अभी क्या टाइप के प्रॉपर्टीज ज्यादा बिकती हैं, जैसे अपार्टमेंट्स हैं? मैंने देखा है अहमदाबाद में प्लॉटिंग का और बंगलोज का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है पहले से ही, जो बहुत सारे अदर सिटीज में नहीं है, अहमदाबाद में पहले से ही है। अहमदाबाद का बंगलोज का आर्किटेक्चर बहुत माना जाता है, और मैं जानता हूँ कई लोगों को जो पुणे से या मुंबई से या अलग अलग सिटीज से अहमदाबाद के आर्किटेक्ट को हायर करते हैं अपना बंगलो का डिजाइन करने के लिए। सो ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूड है, बंगलोज में ज्यादा बिकते हैं। सिटी लिमिट में अभी ऐसा हो गया है किशन भाई के बंगलोज अभी काफी, यानी क्योंकि अभी रेट ही जो बढ़ गए लैंड के, तो बंगलोज के प्रोजेक्ट काफी कम हो गए। लेकिन हाँ, अभी कैसा हो गया कि अगर मैं आपको 10 साल पहले की बात करूं, सो अराउंड 500-600 स्क्वायर यार्ड का मैं जो बंगलो में कोई रहता था उस वक्त, तो उस वक्त लगता था कि यार मैं बहुत अच्छे से लेविसली लाइफ जी रहा हूँ अहमदाबाद में, और मेरे पास अच्छी जगह है और पर्सनल गार्डन है, सब कुछ है। वो ट्रेंड बदलते बदलते अगर आप देखो तो लास्ट 5 ईयर्स में ऐसा हो गया कि 1500-2000 गज का प्लॉट हो और उसके अंदर उसका बंगलो हो तो उसे लगता था कि नाउ आई एम डूइंग वंडरफुल और मैं अच्छे से मेरी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ। आफ्टर कोविड ये ट्रेंड भी चेंज हो गया है। अगर अब आप अहमदाबाद में आओगे तो आपको बंगलो यहाँ पे 5000 स्क्वायर यार्ड टू लेके 50,000 स्क्वायर यार्ड तक के बंगलोज है, जहाँ पे वो एज अ फर्स्ट होम लोग रह रहे हैं। यानी अगर आप वैल्यूएशन में निकालो तो एनीवेयर बिटवीन 25 करोड़ टू 300-400 करोड़ के आपको यहाँ पे बंगलोज विलास दिखेंगे, सिंगल विलास। ओके, हाँ, तो लोग इतना स्पेंड करते हैं सिर्फ फर्स्ट होम रहने के लिए। यानी सेकंडली आफ्टर कोविड सेकंड होम का कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है इन एंड अराउंड। तो अहमदाबाद सिटी से 25-40 किलोमीटर के रेडियस में आप देखोगे तो एन नंबर्स ऑफ स्कीम्स है जो प्लॉटिंग की है। यानी एक एक स्कीम होगी अराउंड 200-300 एकर के बीच में वहां पे, और ऐसे ही आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे और विद इंटरनेशनल आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल लैंडस्केपर जो बढ़िया सा मास्टर लेआउट प्लानिंग कर रहे हैं, गोल्फ कोर्सेस आ रहे हैं। तो अभी भी लोगों की मेंटालिटी यही है कि उनको जमीन से जुड़ा हुआ घर चाहिए, कि अपना पर्सनल गार्डन हो, अपना पर्सनल एनी एक्टिविटी अपने कर पाए। तो उस हिसाब से काफी चल रहा है अहमदाबाद। और अदर देन दैट अगर आप सिटी लिमिट में देखो तो लग्जरी सेगमेंट जो है दैट इज यू कैन से अराउंड 4,000-4,500 स्क्वायर फीट से लेके 10,000-12,000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट, उसके भी बहुत अच्छी डिमांड है और काफी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, और ये सारे लोकेशंस कौन से हैं जो अभी हैपनिंग है, जो अभी ग्रोइंग में है, जहां अगर कोई आदमी अपने लिए रहे तो भी उसका इंफ्रा अच्छा मिलेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ले तो भी उसे कुछ रिटर्न्स, कैपिटल एप्रिसिएशन होगा या रेंटल वैल्यू बढ़ेगी, ऐसे कौन से लोकेशंस आज के तारीख में ट्रेंड कर रहे हैं अहमदाबाद में? सो अगर अहमदाबाद में आप रेसिडेंस की हमें बात करते हैं तो रेसिडेंस में जो आमली रोड है, BRTS रोड बोलते हैं, जो इस्कॉन सर्कल के बाद वाला जो रोड है वहां पे, वो आमली रोड हो गया। राजपथ रंगोली वाला जो रोड है वो हो गया, सिंधु भवन रोड जो है, SBR है, थलतेज है, ये चार जो रोड है दैट इज द मोस्ट प्रीमियम रोड एज ऑफ नाउ वहां पे, जो आपके वर्क प्लेस के लिए भी और लग्जरी रेसिडेंस के लिए भी सबसे ज्यादा फेमस है। और सिस्टम ऐसे किया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक SG रोड करके जगह है जो अहमदाबाद गांधीनगर को कनेक्ट करता है, एंड आफ्टर 3 किलोमीटर्स वहां पे रिंग रोड दिया हुआ है, अहमदाबाद रिंग रोड जिसको बोलते हैं, दैट इज अराउंड 70 किलोमीटर्स।
और उसके बीच का जितना भी डेवलपमेंट अभी हो रहा है एसजी हाईवे और रिंग रोड के बीच का, वो हाँ। सारा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और अगर पर्सनल यूज भी करना है उसके हिसाब से सबसे एडवाइजेबल है। सो एंड व्हाट अबाउट द कमर्शियल एक्टिविटी, जैसे ऑफिस का भी वहां मार्केट है, डिमांड है, रिटेल की तो होगी, शोरूम्स की और शॉप्स की? हाँ, कमर्शियल का बहुत अच्छा मार्केट है अभी यहाँ पे। यानी पहले गुजरात में, यानी अहमदाबाद में कैसा था कि बड़ी फ्लोर प्लेट का इतना रिक्वायरमेंट रहता नहीं था, क्योंकि जैसे आपने बोला आईटी कंपनी या दूसरी कंपनी इतने अहमदाबाद फर्स्ट प्रायोरिटी में प्रीफर नहीं करते थे वहां पे। अगर आज की तारीख में आप देखो कि अभी की अगर मैं आपको लेटेस्ट बात करूं कि अगर आप अहमदाबाद के अच्छे एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे आप 25-30,000 स्क्वायर फीट की फ्लोर प्लेट लेने जाओगे तो आपको अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना भी कमर्शियल स्पेस है वो सारा अच्छे से ऑक्यूपाई हो गया है। इवन फ्यू ट्रांजेक्शन हमने ऐसे भी किए हुए हैं कि प्रोजेक्ट की डिलीवरी होगी लेट्स से इन 2026 एंड और 27 और अभी से कंपनियों ने रेंटल एग्रीमेंट कर दिए है फोर्सी करके, क्योंकि हाँ अभी से कर दिया है, डिपॉजिट दे दिया है कि भी जब बिल्डिंग आपका रेडी होगा इन 2026-27 तो 1,00,000 स्क्वायर फीट ये रेट से हम फॉर 9 ईयर्स का अपना जो जनरल टर्म्स होता है उस हिसाब से हम आपका ये जगह ले लेंगे, और 26 में क्या रेट होगा रेंटल का वो भी अभी से डिसाइड कर लिया है, क्योंकि इतना अपने ग्रोथ करके इतना तो रेट हो ही जाएगा 26 तक। तो ऐसे ट्रांजेक्शन भी हो रहे हैं अहमदाबाद में जो आप लाइकली आप देखोगे जब तक बिल्डिंग रेडी नहीं होगा या स्ट्रक्चर रेडी नहीं होगा तब तक रेंटल क्लाइंट आते नहीं है, व्यू का स्टेज ना आए तब तक। जो अभी यहाँ पे हो रहा है वो 2-2.5 साल में भी अगर लग रहा है कि भी बिल्डिंग बना लेगा तो भी कॉर्पोरेट अभी से बुक करना चालू कर दिया है स्पेसेस, क्योंकि स्पेस है नहीं अहमदाबाद में कमर्शियल का, उतना अच्छा डिमांड है कहने का मतलब है। और यहाँ लैंड तो काफी अवेलेबल है अहमदाबाद में, कोई लैंड की रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो फिर ये डिमांड इतनी डिमांड क्यों हो रही है, क्यों नहीं ये जल्दी से प्रोजेक्ट्स बन के और कंपनीज को रेडी पोजिशन मिल रहा है या 2-3 महीने के देरी पे मिल रहा है? नहीं, उसमें ऐसा था कि कोविड जब आया, कोविड आया उसके बाद आपको पता है कि जैसे रिटेल और ऑफिस स्पेस वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ गया था और काफी कुछ लोगों ने उस वक्त यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी खाली भी कर दी थी, रिटेल खाली कर दिया था कोविड के बाद जो सिनेरियो बना था अपना 2020 में वहां पे, तो काफी डेवलपर ऐसे थे कि अब हमें कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं करने, और उन्होंने कमर्शियल प्रोजेक्ट जो कर रहे थे वो भी उन्होंने चेंज करके रेसिडेंस में कन्वर्ट करा दिए थे प्रोजेक्ट। तो लास्ट 2-3 ईयर्स में इतने कमर्शियल प्रोजेक्ट बने ही नहीं, तो उस हिसाब से और डिमांड उसके बाद एकदम स्पाइक हुई है। अगर अपने बात करें, अगर मैं आपको नंबर्स में बात करूं अहमदाबाद में, तो जो कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो लास्ट ईयर आए 112 प्रोजेक्ट इन अहमदाबाद वहां पे, जो राजकोट में सिर्फ आए थे 18 प्रोजेक्ट्स, गांधीनगर में 16 प्रोजेक्ट्स सिर्फ लॉन्च हुए थे, वडोदरा में 27 और अदर्स में 31 हुए थे वहां पे। तो बिकॉज ऑफ दिस सिनारियो के प्रोजेक्ट काफी कम कॉमर्शियल बन रहे थे, लेकिन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बताया, और काफी अच्छा है चल रहा है अभी कमर्शियल मार्केट। ओके, और ये आपको लगा है कि अभी ग्रोथ ये चालू होगी, कोई ग्रोथ कम होने का कोई संभावना नहीं है? नहीं, यानी कैसा कि ड्राइविंग इंजन काफी है किशन भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि क्यों गुजरात ग्रोथ अभी भी 10 साल होगा, ओके, तो अगर मैं आपको, क्योंकि फ्यू प्रोजेक्ट्स है, मैं आपको सिर्फ नाम लूंगा फिर अगर आप बोलोगे उसका मैं आपको थोड़ा डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। जैसे एक DMIC बन रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है यहाँ पे, फिर धौलेरा SIR है, मांडल बेचरा जी SIR जो सुजुकी ने अपना प्लांट डाला है, 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अनदर 10,000 करोड़ और डाल रहा है। जब इतना पैसा कोई कंपनी डालती है और यहाँ से ऑलरेडी सुजुकी ने 1 मिलियन कार ईयरली बनाना चालू कर दिया है गुजरात प्लांट से, तो अब जब इतना का और उसकी एंसिलरीज, उसके OEMs, इन लोगों ने इतनी फैक्ट्री, इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है ऑलरेडी यहाँ पे, तो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, लोगों की
कैपेसिटी बढ़ेगी परचेसिंग पावर की, तो ये सब चीज कहीं ना कहीं आपको अपवर्ड ट्रेंड ही देगा यहाँ पे। जैसे गिफ्ट सिटी हो गया, अपने अभी बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं कि अहमदाबाद मुंबई अगर हाई स्पीड रेल हो गया वहां पे, तो जो आप देखोगे मुंबई में जो लोग रह रहे, फिर अहमदाबाद मुंबई का डिस्टेंस रह जाएगा 2 hours। ठीक है, अब इमेजिन करिए, क्योंकि आप भी इतने मुंबई मार्केट से इतने काफी नोन है वहां पे, कि मुंबई में एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए भी 1.25 घंटा लग जाता है। लग जाता है, ठीक है, और वो भी जर्नी जो है वो इतनी यानी कंफर्टेबल नहीं होती जो अपने जागते एक जगह से दूसरी जगह। अगर बुलेट ट्रेन में आप अच्छे से बैठ के 2 घंटे में आप यहाँ से मुंबई पहुंच रहे हो, या 30-40 मिनट्स में आप सूरत से पहुंच रहे हो मुंबई पहुंच रहे हो वहां पे, अहमदाबाद के प्राइस और मुंबई के प्राइस में अभी भी जमीन आसमान का फर्क है अगर पर स्क्वायर फीट आप देखने जाओ तो। ठीक है, और कॉस्ट के हिसाब से देखना जाओ तो मुंबई का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफी हाई है कंपेयर टू अहमदाबाद या गुजरात में। उस वक्त जिस दिन ये ट्रेन चालू हो जाएगी, तब काफी लोग मुंबई में रहने वाले सोचेंगे कि लेट्स मूव टू अहमदाबाद और सूरत, कहीं पे अपने चले जाते हैं, जो मेरा 30-40 मिनट्स का मेरा रन हो जाए, ट्रैवल रन हो जाए। मैं यहाँ पे जो 2 BHK में रह रहा हूँ मुंबई में, यहाँ पे मैं 3 या 4 BHK में रह पाऊंगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरा सस्ता होगा, प्लस मेरे बच्चों का जो एजुकेशन है, सेफ्टी सिक्योरिटी सारी चीज जो है वो गुजरात के फेवर में है अभी वहां पे। तो जैसे ये कनेक्टिविटी बनेगी, वैसे काफी लोग वापस माइग्रेट होंगे अहमदाबाद में या सूरत में। इसको पूरे गुजरात को बेनिफिट होने वाला है, आई एम नॉट सेइंग ओनली अहमदाबाद, लेकिन पूरे गुजरात को। अब जो गवर्नमेंट इतना पैसा डाल रही है, जब जैसे अगर मैं आपको DMIC की बात करूं, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है प्रोजेक्ट में, दैट इज अराउंड $100 billion का लग रहा है पैसा, विच इज 1500 किलोमीटर लॉन्ग डेडिकेटेड बन रहा है, मुंबई से लेके दिल्ली तक जाएगा वहां पे। जी हाँ, अब हाँ, अब उसके अंदर जो है, जो 38% रूट जो है वो गुजरात में से जाता है। अच्छा, हाँ, और 38% जो गुजरात में से जाता है, that covers 62% of entire Gujarat. I see. Okay. तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब जो ग्रोथ इंजिन है, जो गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, इतना कर रही है, भले वो 5 साल में बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 5 साल की जगह 7 साल में होता है, 10 साल में होता है, लेकिन जब भी होगा तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के हिसाब से, ये सब ग्रोथ इंजिन के हिसाब से, कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट गुजरात को मिलने ही वाला है। जरूर, और रेट बढ़ते ही रहेंगे। और एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तो अभी जो चल रहा है कि भाई वी आर बिडिंग फॉर 2036 ओलंपिक्स, यस, हाँ, तो उसमें ऑलरेडी अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर इंडिया को ओलंपिक मिलता है, सो दैट विल बी इन अहमदाबाद। ओके, हाँ, तो अगर 2036 में ओलंपिक आता है गुजरात, अहमदाबाद, अगर इंडिया जीतता है उसको, अहमदाबाद ये लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं कि भी अहमदाबाद में हम करेंगे, सो फॉर नेक्स्ट 10 to 12 years इतना इन्वेस्टमेंट आएगा गुजरात में, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलेंगे गुजरात में टू क्रिएट दैट लेगेसी और टू क्रिएट दैट वाउ फैक्टर, आप या मैं इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि किस लेवल पे ग्रोथ होगा। यानी मैं काफी लोगों को ऐसे मस्ती में भी ऐसे बोलता हूँ कि अगर उस वक्त गुजरात की अहमदाबाद की कोई कंपनी अगर कपची भी बेच रही है ना, या सीमेंट का भी धंधा कर रही है ना, तो उसमें स्टेक लेना चाहिए वहां पे, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बनेगा, गवर्नमेंट इतना करेगी, क्योंकि अहमदाबाद में आप देखो तो ओलंपिक के रिगार्डिंग बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी नहीं है जो हम उसको होस्ट कर पाए, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो से चालू करना है, बनाना है। लैंड ऑलरेडी एक्वायर्ड हो चुकी है उसके लिए, इन्होंने लैंड ऑलरेडी एक्वायर करके रख दी है कि अगर बॉडी, हाँ, तो लैंड ऑलरेडी इज टेकन केयर ऑफ, उसका जोनिंग चेंज हो गया है, सब कुछ करके रखा हुआ है। कौन से लोकेशन में है मोनिल भाई ये जहाँ स्टेडियम है ऑलरेडी वहीं पर? नो, एक लोकेशन वो है उसके पास में है, एयरपोर्ट के पास है, क्योंकि वो क्या 2-3 लोकेशन में करना पड़ेगा, एक लोकेशन में इतने लोगों को वैसे भी आप नहीं मैनेज कर पाते हो। हाँ। तो एक वहां पे और एक वेस्टर्न पार्ट ऑफ अहमदाबाद है,
ओके तो एरिया का अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे डीएफसी कॉरिडोर के पास ही है गोदावरी मणिपुर और वो जो एरिया है यहाँ पे वहां पे उन्होंने ये फाइनलाइज किया हुआ है लैंड और ऑलरेडी एक्वायर कर दिया है, सब कुछ कर दिया है. सो लैंड इन प्लेस. अब जैसे अप्रूवल आएगी और ये भी प्लान कर चल रहा है कि 2029 में यूथ ओलंपिक जो होगा उसको एक ट्रायल रन पे अहमदाबाद को होस्ट कर दे तो एक पता भी चल जाएगा कि कितना जल्दी कैसे हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर पा रहे हैं. सही बात है. सो इंफ्रा में तो अहमदाबाद काफी आगे है ये मैं जानता हूँ. जैसे आपने बताया डीएमआईसी के बारे में, इनफैक्ट एक वीडियो में हमारा है डीएमआईसी के बारे में हमने बनाया हुआ है एंड अहमदाबाद हैज ए लायन शेयर इन दैट. अब मुझे आपसे बात करते करते याद आ रहा है अहमदाबाद में लेक कनेक्ट किए गए हैं अंदर इंटरनली ग्राउंड से लेक्स कनेक्ट किए गए हैं और इसके वजह से शायद वो अहमदाबाद ग्रीन काफी है क्योंकि वाटर टेबल काफी अच्छा होता है अहमदाबाद का. सो इसके बारे में कुछ बताइए मोनिल भाई. हाँ तो ऐसे इनिशिएटिव्स काफी होते रहते हैं अहमदाबाद में. एवरीवन अहमदाबाद में नहीं ये चीज राजकोट में भी है और जितने भी जगह ये पॉसिबल हो रहा है वहां पे वो लोग लेक को कनेक्ट कर रहे हैं. और नर्मदा का वाटर अगर आप देखोगे तो पूरे गुजरात में नर्मदा का वाटर है वहां पे. तो जैसे अहमदाबाद की आप जो भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में आप जाओगे सिटी लिमिट में वहां पे जैसे हम सबके घर में नर्मदा वाटर आता है तो हम बोरिंग वाटर यूज ही नहीं करते. जो अपने बोरवेल वाला पानी है तो ये लेस टीडीएस क्वालिटी ऑफ वाटर और आपको मिलता है. तो सब जगह पे अहमदाबाद में मिल रहा है अभी रिवर वाटर यू कैन से दैट वहां पे. तो ग्राउंड टेबल है तो ग्राउंड में से हम वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे अभी ग्राउंड में से. तो वाटर लेवल उतना ग्राउंड लेवल का बढ़ रहा है. अगर ग्राउंड लेवल का वाटर लेवल बढ़ेगा तो ग्रीनरी ऑफकोर्स बढ़ने वाली है यहाँ पे. जैसे इंडस्ट्रियल में भी जिसकी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे गवर्नमेंट उनको कहती है कि भी आप ग्राउंड वाटर यूज मत कीजिए, हम आपको जितना वाटर चाहिए दैट वी विल प्रोवाइड यू थ्रू द आर नर्मदा कैनाल. आई सी. ओके. चैनल सिस्टम वो पूरा बनाया हुआ है उन्होंने. तो पूरे गुजरात में अहमदाबाद में आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको अगर फार्मिंग करनी है तो फार्मिंग के लिए भी आपको ये रिवर वाटर ही यूज करना है. ओके. तो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप काफी अच्छा है अहमदाबाद का जिससे आसानी से सभी को पानी मिल पाता है. यस करेक्ट करेक्ट. और इलेक्ट्रिसिटी तो है ही. सोलर का काफी बड़ा बेस है अहमदाबाद का. इनिशिएटिव्स बहुत अच्छी लिए गए. हम काफी कुछ सुनते हैं अहमदाबाद के सोलर सिस्टम के बारे में. करेक्ट. और सोलर सिस्टम भी और अभी पार्क में भी ये लोग अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है पीपीपी मॉडल में दे रही है. तो जितने भी गवर्नमेंट की लैंड है जहाँ पे उन्होंने पार्क डेजिग्नेट किए हुए हैं कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर काफी कॉर्पोरेट जो है वो पार्क को खुद ही डेवलप कर रहे हैं और खुद ही मेंटेन कर रहे हैं. अच्छा. वहां पे तो उसमें दोनों काम हो रहे हैं कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो पार्क बना रहे हैं मियावाकी से. तो इमीडिएटली वो ग्रीनरी डेवलप्ड हो रही है उसका मेंटेन भी कॉर्पोरेट कर रहे हैं तो वो काफी बढ़िया मेंटेन कर पाएंगे यानी कंपेयर टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज यहाँ पे. और ग्रीनरी भी बढ़ रही है लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटी भी क्रिएट हो रही है. और एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी अहमदाबाद की जो जो रिवर फ्रंट उन्होंने बनाया था गांधी आश्रम के पास और उसके बाद तो मैंने पहले वाला भी देखा था बनने के बाद भी हम गए थे देखने के लिए. तो इट वॉज एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन. तो इसके बारे में कुछ बताइए कि ये कैसे ये कर लेते हैं क्योंकि बाकी सिटीज में तो बड़ा प्रॉब्लम आता है कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं और काम वहीं ठप हो जाता है. सो दिस इज समथिंग विच इज अमेजिंग जो अहमदाबाद कर रहा है. या नहीं आई रियली अर्ज कि अगर आप कोई भी अहमदाबाद आते हो तो एक बार रिवर फ्रंट डेवलपमेंट देखना ही चाहिए यहाँ पे जिस हिसाब से किया हुआ है. एक्चुअली 2 years प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते काफी टाइम थोड़ा लग गया ज्यादा लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ है कि आप कोई भी लंदन पेरिस या न्यूयॉर्क के कोई किसी भी आप सिटी में घूम रहे हो और वहां पे आपको अगर मॉर्निंग वॉक में जो फीलिंग आ रही है सेम फीलिंग आपको यहाँ पे मिलेगी. जिस हिसाब से पार्क डेवलप किए हुए हैं जॉगिंग ट्रैक साइकिलिंग ट्रैक वहां पे बनाए हुए हैं जगह जगह पे थोड़ा बहुत उन्होंने कैफे फूड काउंटर ये सब बना दिया है. तो अगर प्लेजेंट मॉर्निंग में विंटर टाइम में या अर्ली मॉर्निंग में समर में आप जाओगे या इवनिंग टाइम में
तो आपको काफी लोग मिलेंगे जो अपनी हेल्थ के लिए वहां पे आपको जॉग करते हुए दिखेंगे, साइकिलिंग करते हुए दिखेंगे, और इवन रिवर क्रूज भी चालू कर दिया है कि रिवर क्रूज डिनर चालू कर दिए हैं, जैसे अपने फॉरेन में होते हैं वैसे वो रिवर के अंदर वहां पे, तो वो कर दिया है। एक दो उन्होंने ब्रिज बना दिए हैं, वॉकिंग ब्रिज कर दिया है उसके ऊपर। सो जो हम बोलते हैं कि जो डेवलप सिटीज में होता है, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं तो यही चीज करते हैं, घूमने जाते हैं, तो अगर फॉरेन में जाते हैं तो साइट सीन करते हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने ये सारे स्पॉट्स बना लिए हैं कि बाहर से कोई लोग आते हैं तो ये स्पॉट्स में जाए और वहां जाके उसको एंजॉय कर पाए, आराम से बैठ पाए, और देन 2-3 hours स्पेंड करके दे कैन गो बैक टू देयर होम और व्हाटएवर वेयरएवर दे वांट टू गो। अमेजिंग, वेरी नाइस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो अहमदाबाद काफी आगे है और सिटीज से, ये मैं जानता हूँ, और शायद गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल बहुत स्ट्रांग है वहाँ ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्लानिंग तो सभी लोग कर लेते हैं लेकिन प्लानिंग तक ही हो रह जाता है, उसको एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम होता है, एग्जीक्यूशन कर नहीं पाते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूशन भी होता है और उसके वजह से सिटीजन्स को फायदा काफ़ी होता है अहमदाबाद के, जैसे देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन भी पहले पहले अहमदाबाद ही चलेगी, मुंबई टू अहमदाबाद, विच इज़ ऑल्सो ए वेरी क्रेडिबल थिंग। मोनिल भाई मुझे ये बताइए, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज वहाँ बिक रही है या जो बन रही है, सो क्या चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, कॉन्फिगरेशन 1, 2, 3 bedroom या 4 bedroom, या क्या ज़्यादा बन रहा है, क्या ज़्यादा बिक रहा है वहाँ पर, और कैसे आप आगे इसको ट्रेंड को देख रहे हैं? देखो अफोर्डेबल हाउसिंग काफ़ी हो गया है, अब मुझे लग रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उसमें इतना वो ग्रोथ नहीं रहेगा अफोर्डेबल हाउसिंग में जो है वो, बट उसके अलावा जो लग्जरी सेगमेंट जो है 4 BHK, 5 BHK, 6 BHK रेसिडेंस में, वो काफी अच्छा चलेगा अनदर फॉर नेक्स्ट 5 to 6 years वहां पे। और कमर्शियल में जो आपका बड़ी टिकट साइज जो रहेगी, बड़ी फ्लोर प्लेट जो रहेगी वहां पे, मोर देन 15,000-20,000 square feet, तो वो भी काफी अच्छा चलेगा फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years यहाँ पे, क्योंकि डिमांड काफी बढ़ने वाली है कमर्शियल की, रेसिडेंस की, हर तरह की। और जो अफोर्डेबल सेगमेंट है वो सिटी से थोड़ा दूर चलेगा, लेट्स से के सानन, जैसे टाटा नैनो जो है, यानी फोर्ड से लेके जितनी भी दूसरी कंपनीज है वो सब आई हुई है सानन में, सानन करके जो एरिया है वो, तो सानन के आसपास उसका इकोसिस्टम बनाने के लिए वो जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो सब वहां पे ज्यादा चलेंगे, यानी अफोर्डेबल हाउसिंग सानन में, तो रेट भी वहां पे। और गुजरात में अहमदाबाद में क्या है कि बहुत ही क्लियर सिस्टम है यहाँ पे, जोनिंग सिस्टम है, टीपी सिस्टम है, तो डे वन से अगर आप कोई भी जगह बाय करते हो तो आपको पता है कि एग्जैक्टली कितने स्क्वायर फीट आप यहाँ पे बना पाओगे, क्या उसका यूज कर पाओगे, कितने टाइम में प्लान पास होगा, क्या होगा, तो सिस्टम इज एवरीथिंग इज इन प्लेस। तो आफ्टर इन्वेस्टिंग या एक बार चालू करने के बाद कोई सरप्राइजिंग नहीं रहते कि भाई मैंने ये सोच के ये जगह लिया था लेकिन अब यहाँ पे तो मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ करके। तो लॉ बायलॉज पूरे गुजरात का एकदम कॉमन GDCR कर दिया है यहाँ पे, तो पूरे गुजरात में आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको एक ही सिस्टम से धंधा करना है, एक ही लॉ फॉलो करना है। मोनिल भाई ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये सरप्राइजेस बिल्डर्स को हमेशा आती हैं, और उससे होता क्या है, उसका भुगतान कस्टमर्स को ही करना पड़ता है, बिल्डर तो कोई अपनी जेब से पैसा देगा नहीं, वो तो बिजनेस करने के लिए बैठा है, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज बदल जाती हैं या कुछ अंडरहैंड भी होता है तो ये डेवलपर को बहुत पीड़ा होती है इस चीज़ से। और कभी कभी क्या होता है कि वो कमिट कर देते हैं एक प्राइस पे अगर बुकिंग में, और उसके बाद अगर उनको सरप्राइजेज आती है तो फिर वो डेवलपर का नुकसान बहुत हो जाता है उसमें। तो ये इसके वजह से अगले प्रोजेक्ट में क्या करता है, वो पैड अप करके ही रखता है प्राइस, एंड एंड ऑफ द डे हो ये रहा है कि इसके वजह से कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं इस चीज़ के, जो मैं देखता हूँ कि अहमदाबाद में शायद ये नहीं है, इसके वजह से अहमदाबाद के प्राइसिंग भी रीजनेबल हैं क्योंकि बहुत सरप्राइजेस नहीं है, उनको सीधे सीधे पता है कि प्लान्स इस तरह पास होंगे, इतना एफिशिएंसी उसमें मिलेगा, इतना कंस्ट्रक्शन का खर्चा आएगा, एंड सो दे नो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड क्या क्या इसमें लगने वाला है 100%। इवन 5 साल के बाद भी यहाँ पे क्या बना पाएंगे ना, वो भी क्लैरिटी है, क्योंकि जो फ्यूचर डेवलपमेंट के हिसाब से जो डेवलपर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि 2 साल के बाद यहाँ प्रोजेक्ट करूंगा, 3 साल के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, तो उन्हें सब पता है कि भी 3 साल के अंदर ये रोड ओपन होने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा, तब जाके मैं यहाँ पे इतना बना पाऊंगा,
सो क्लैरिटी बहुत है. अगर आपको पता है कि मेरे को रेसिडेंसी डेवलप करना है तो देर आर फ्यू एरियाज के ओके में रेसिडेंस अगर डेवलप करना है उसमें भी अगर मेरे को 2-3 BHK बनाना है तो मेरे को कहाँ बनाना है, 4-5 BHK बनाने तो मुझे कहाँ बनाना है. तो क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है और वहां पे फिर आप कर ही सकते हो. तो ये जैसे आपने बताया यहाँ जोनिंग ऑलरेडी हुई है, सो अगर कोई कमर्शियल जोन है तो वहां रेजिडेंशियल एक्टिविटी नहीं होगी? नहीं, कमर्शियल रेसिडेंस दोनों होगा यहाँ पे. जैसे यहाँ पे R1 जोन, R2 जोन, R3 जोन है अहमदाबाद में. सो R1 जोन जो है उसमें आपका कमर्शियल रेसिडेंशियल होटल जो भी करना है हॉस्पिटल सारी हो पाएगा. लेकिन लोकेशन के हिसाब से कि अब मेरा मेन रोड पे मैं ले रहा हूँ या अंदर ले रहा हूँ उस हिसाब से यू कैन फोर्स कि अगर मुझे रेसिडेंस बनाना है तो अगर मैं एक प्लॉट अंदर भी लूंगा और मुझे थोड़ा सस्ता पड़ रहा है तो मैं वो ज्यादा प्रिफर करूंगा एज ए डेवलपर मेंटालिटी. अगर आप देखोगे अगर मेरे को कमर्शियल बनाना है रिटेल बनाना है तो बट ऑब्वियसली मैं पीछे वाला नहीं, मैं मेन रोड वाला लूंगा जी वहां पे. तो और इन फ्यूचर अगर लग रहा है कि यानी जो भी लॉ बनते हैं वो बेटरमेंट के लिए बनते हैं. हाँ. ऐसा नहीं होगा कि भाई अभी आप ये बना सकते हो और कल जाके इसको आप नहीं बना सकते हो. नहीं, दैट इज वेरी करेक्ट. इससे क्या होता है कि डेवलपर को पूरा हर चीज का नाप आ जाता है कि भाई ये इसके फ्रेम के अंदर ही मुझे काम करना है और मेरा पैसा भी इसी तरीके से जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा. तो अकॉर्डिंगली वो बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन कर देता है उस चीज का. सो ये फायदा होता है उसमें. मुनील भाई बहुत अच्छी बातें की आज और बहुत इंफॉर्मेशन आपने शेयर की हमारे साथ गुजरात की और खास करके अहमदाबाद की. क्या नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, किस तरह आगे ये रियल एस्टेट का दौर बढ़ेगा, किस लोकेशन में ज़्यादा डिमांड आएगी आगे, या कहाँ अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो किस लोकेशन में उन्होंने देखना चाहिए जहाँ जहाँ आगे ग्रोथ हो रही है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए. बिफोर वी क्लोज, एनी पार्टिंग एडवाइस और कमेंट्स यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स? सो आई थिंक 10 साल पहले, 10 या 12 साल पहले जब रतन टाटा जी आए थे यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात में, एट दैट टाइम ही सेड वन थिंग के इफ यू आर बिजनेसमैन एंड नॉट इन गुजरात देन यू आर स्टूपिड. तो अगर ये उनका स्टेटमेंट था आज से 12-15 साल पहले का वहां पे. तब हम जैसे अभी आप हंस रहे हो उस वक्त हम भी हंसी रहे थे. लेकिन आज हमें लग रहा है कि उन्होंने जो बोला था वो सही था और उसी को मैं रिपीट करूंगा कि गुजरात इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. अगर आप अभी भी गुजरात नहीं आ रहे हो तो यू आर मिसिंग समथिंग बिग टाइम. अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो, एटलीस्ट कीप 30-40% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन गुजरात यहाँ पे और देट विल बी ग्रो. और एक और बात बताना चाहूंगा कि नॉट ओनली गुजरात, इंडिया इज साइनिंग टेक्निकली, क्योंकि मैं इतना फोरम में और इंटरनेशनल भी ट्रैवल करता हूँ. तो एक फैक्ट नंबर ये भी है कि एवरीबडी नोज दैट वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ. ओके, वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन वर्क फोर्स ऑफ द वर्ल्ड सो फार. और हम कब तक यंगेस्ट रहेंगे वर्ल्ड में, दैट इज टिल 2047. सो यही स्टेटमेंट हम बोल पाएंगे 2047 में भी कि वी आर स्टिल द यंगेस्ट नेशन एंड एवरी मिनिट देर आर 30 पीपल कमिंग टू द अर्बन फ्रॉम द रूरल. अगर हर मिनिट 30 लोग आ रहे हैं रूरल में से अर्बन में तो उनको रहने के लिए सबसे पहले छत तो चाहिए ही होगा. खाना तो चलो मिल ही जाएगा, खाना पानी दे ही देंगे, लेकिन छत गवर्नमेंट सबको नहीं दे पाएगी. तो कोई भी सेक्टर में अगर आप रियल एस्टेट में एंटर हो रहे हो फॉर नेक्स्ट लेट्स से 15-20 ईयर्स, अगर आप अच्छे से प्लान कर रहे हो अपना इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट सब कुछ, तो आई डोंट सी के पूरे इंडिया में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगा. अब मैटर यही है कि आपका पैसा 5-7% से ग्रोथ करते हो, 20% से ग्रोथ करते हो, 40% से ग्रोथ करते हो. तो जहां मैक्सिमम ग्रोथ है वहां पे आपको आना है. ग्रोथ तो होगा ही होगा. हाँ, बिल्कुल सही तो, बोला आपने. और गुजरात में देख रहा हूँ जैसे गुजरात शाइनिंग है, वाइब्रेंट गुजरात के आपके रेगुलर बेसिस पे इवेंट्स होते हैं जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट को काफी अट्रैक्ट करता है. इंडिया की इन्वेस्टमेंट तो आती है लेकिन बाहर से भी काफी पैसा गुजरात में लगता है, ये मैंने देखा है. ये इट इज ऑल ए कम्प्लीट साइकिल.
पूरा पूरा साइकिल इकोसिस्टम पूरा चलता है इसके बेसिस के ऊपर ही, और गुजरात इज इन द फोरफ्रंट ऑफ ऑल दिस। हमने वैसे महाराष्ट्र से भी काफी कंपनीज खोई हैं गुजरात के फेवर में, जो हमारी कंपनीज थी वो आज आपकी आपके वहां आ गई हैं। बट एनीवे हम एंड ऑफ द डे वी आर ऑल इंडियंस एंड कभी यहाँ कुछ ज्यादा वहाँ कुछ ज्यादा चलता है। सो इट इज वेरी नाइस मोनिल भाई, यू आपने केवल अहमदाबाद का पक्ष नहीं रखा, आपने पूरे गुजरात का पक्ष रखा है, और मैं देखता हूँ कि जो सही रिप्रेजेंट करते हैं अपनी सिटी को, वो अपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं और अपने स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट लाने की बातें करते हैं, विच इज वेरी 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 पॉजिटिव, वेरी हेल्दी साइन ऑफ ए बिजनेसमैन। Thank you very much for being here, Monil. We loved talking to you and looking forward aage koi aur ek special topic pe lekar ke hum log fir ek discussion karenge zarur. Thank you so much, Kishan bhai, for inviting me, and always pleasure to see you, and you are very close to our heart, and looking forward to see you soon. Sure. Thank you. Thank you. Thank you. Agar aapko pasand aaya to ise like aur share जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। थैंक यू।